अडानी के एंट्री के बाद एनडीटीवी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्रेरण रॉय राधिका रॉय के इस्तीफे के बाद बुधवार देर शाम चैनल के वरिष्ठ कार्यकारिणी संपादक प्राइम टाइम एंकर रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार चैनल के प्रमुख शो हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात, प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों में एंकरिंग किया करते थे। रवीश कुमार देश की आम जनता को प्रभावित करने वाले जमीनी मुद्दों की कवरेज के लिए जाने जाते हैं। रवीश कुमार दो बार रामनाथ गोयंका उत्कृष्टता 2019 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। एनडीटीवी ग्रुप के प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने मेल में लिखा, रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनके इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया। रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ ही पत्रकार हैं, ये उनके बारे में मिलने वाली अपार प्रतिक्रिया में दिखता है। वो भीड़ जिन्हें वे अपने इर्द गिर्द जमा करते हैं, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिले प्रतिष्ठित पुरस्कार और पहचान में दिखता है। उनकी हर दिन की रिपोर्ट में जो उन लोगों के अधिकार और जरूरतों को पूरा करता है, वो सेवा से वंचित है। रवीश दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे। उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा। हम जानते हैं वो एक नई शुरुआत कर रही हैं। वे बेहद सफल होंगे। रवीश कुमार की पहचान देश में सत्ता से सवाल पूछने के रूप में हुई। रवीश कुमार अपने शो के दौरान अक्सर सरकार से सवाल किया करते थे, मजदूरों, गरीबों, किसानों के हित की बात किया करते थे। अब भारत में एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो लोगों की बात पूछ सके। एकमात्र एनडीटीवी था जो अब गिर चुका है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।